कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट विन, काफी कंफर्टेबल विक्ट्री। फर्स्ट हाफ में ही कह सकते हैं कि इतना मैच आपने जीत लिया था, क्या कहना चाहते हैं? असलम भी नहीं थे और टीम स्टूड अप टू द ओकेजन। नहीं, हमारा टीम में सब स्टार लोग ही है, सब यंग स्टार है सब लोग, मतलब सब लोग अच्छा काम करेगा। ऐसा किसी को भी मौका, सिर्फ अजीत एक को मौका नहीं दिया, अजीत आएगा तो भी ऐसा ही खेलेगा, मतलब उसको मौका नहीं मिल रहा है। बस अभी सारी सब लोग जो जो काम था, हमने प्लान बना के हमने मैं और जीवा कुमार आज का कैप्टन के साथ डिस्कशन किया और प्लेयर्स के साथ डिस्कशन करके कैसा कैसा खेलना है क्या है वो सब राइडर राइडिंग का काम किया। डिफेंस भी अच्छा खेला, अच्छा लगा। सब आपके यहाँ एक चीज़ है कि अगर एक प्लेयर नहीं चलता है तो अगले मैच में वो फिर चल पड़ता है, किसी ना किसी मैच में अलग अलग प्लेयर पॉइंट मारते हैं। आज तीन डिफेंडर ने हाई फाइव करा, आकाश 11 पॉइंट, पंकज कप्तान 8 पॉइंट, तो ये क्या क्या कहेंगे कि एक स्पेशल चीज़ है? पुनेरी पंडित एक मशीनरी की तरह चलता है कि जो आता है वो पॉइंट करता है, एक यूनिट की तरह खेलता है। जो वो ये मेन है, अभी हमारा टीम में बहुत ज़्यादा टीम गेम खेलना चाहता है। अभी देखिए आकाश को बहुत ज़्यादा मौका ही नहीं मिला, आकाश ऐसे ही बैठा था। कब हमने सिचुएशन में उसको मौका दिया खेलने के लिए, उस समय आकाश पॉइंट मार के टीम को सपोर्ट कर रहा था पिछले सारे मैचों में। यही मैच में आकाश को फुल मैच हमने खेलने के लिए मौका दिया, उसने प्रूव किया, मतलब मेरे से भी काम करके दिखाऊंगा टीम के लिए, वो बहुत बड़ी बात है ना। असलम के बारे में, मतलब वो रेस्टेड थे या वैसे कोई इंजरी है, बता सकते हैं? ऐसा कुछ पता नहीं है, अभी थोड़ा फिजियो ने बोला आज इसको रेस्ट चाहिए, इसीलिए हमने रेस्ट दे दिया। वो वाइस कैप्टन था, वो कैप्टन का काम किया, वो अच्छा अप्रूव करके दिखा, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है जीता है, बहुत अच्छा लगा हमको। अब हम आते हैं कप्तान के पास, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट विन पंकज, कैसे देखते हैं तो पूरे मैच को? और एज अ कप्तान उतरे थे, लग नहीं रहा था कि प्रेशर है, वो गेम में भी नहीं दिखा, उल्टा परफॉर्मेंस और अच्छी हुई, तो आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे, पूरी टीम के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, एक मतलब जो कप्तान होता है उसका काम होता है कि प्लेयर्स को मोटिवेट करना, तो बस मैं मोटिवेट कर रहा था और छोटा मोटा गलती तो मैच में होती रहती है, उसको नज़रअंदाज करके उसकी परफॉर्मेंस कैसी और अच्छी होगी उस पर ध्यान दे के हमने हर एक प्लेयर को सपोर्ट करके उसका परफॉर्मेंस अप कर गया और फिर काम कर गया हमारी स्ट्रेटेजी। काफ़ी मैच हो चुके हैं, टीम लग रहा है कि काफ़ी सेटल्ड है, अब आप कह सकते हैं कि अब पहले कुछ मैच खेलने के बाद आप बहुत ज़्यादा सेटल हो चुके हैं, कंफर्टेबल है, कॉम्बिनेशन का पता लग गया, क्योंकि प्लेयर भी चेंज भी हुए हैं, शादू नहीं है, नए डिफेंडर आए, पर फिर भी टीम पूरा सेट लग रहा है। वैसे तो हमारी पूरी टीम सेट थी और बस शादलू के जाने के कारण हमें एक पोजीशन सेट करके लेनी थी, तो वो कोच साहब ने सब उसकी सब करवाया था, जो जो हमारे बंदे कॉर्नर है उनसे, तो वो सेट हो गए, तो अभी हर कोई हमारा बंदा जैसे ही मौका मिलते ही अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाएगा। सर अगला मैच 4 दिन के बाद है, एक वेलकम ब्रेक है, आखिरी मैच आपका होम टीम के साथ तेलुगु में रहेगा, तो कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि वो भी अब बैक इन फॉर्म आ रहा है, जीत रहा है तेलुगु का टीम, पवन है और यंग प्लेयर्स हैं, तो वो मैच कैसे देखते हैं इलेक्ट्रीफाइंग होम क्राउड के अगेंस्ट खेलना? बहुत अच्छा है परफॉर्मेंस उनका, अच्छा खेल रहा है वो तेलुगु टाइटन। पवन तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, बहुत हमारे साथ वो सीजन 6 से काम किया है, देखा है उसको, पवन आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और धीरे धीरे उसका गेम इम्प्रूवमेंट हो रहा है और परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहा है, अच्छा है भाई। ऐसा एक इधर कोई कमज़ोर टीम नहीं है, सब बढ़िया टीम है, सब लोग जीतने के लिए कोशिश कर रहा है, अच्छा बात है। फिर भी हम लोग, हमारा टीम आज का जो खेला उसका वो उसके हिसाब से हम देखेगा तो हमारा टीम अगले मैच भी बहुत अच्छा, इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। नथिंग जी, वेल डन गो साहब, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, वेल डन पंकज, कैप्टन, थैंक यू। मुकाबला इतना हाथ से निकल गया था, उसका कमबैक मुश्किल था, कहाँ देखते हैं कि सबसे बड़ी कमी थी? डिफेंस में भी एडवांस टैकल हो गया और ऑफेंस में भी जो हम सोचते थे कि भाई आज जो हमारा अपना जो बेस्ट करेंगे, जो हमारे रेडर हैं पिछले 2-3 दिन प्रैक्टिस की और स्टार्टिंग की जो 10 मिनट थी उसी में दोनों यूनिट से गलतियां हुई और मैच उस टाइम निकल गया आज से। और जब इतना डिफरेंस हो जाता फिर गलती पे गलती किया, सोमवीर से गलती हुई, फिर 2 गलती हुई, 3 गलती हुई,
फिर वहाँ से गेम निकल गया और फिर डिफेंस में भी जहाँ हम कैच कर सकते थे और वहाँ पे हमने पॉइंट दिया। रेडिंग में जहाँ हमें ज़रूरत नहीं थी फिर भी दो या तीन में वहाँ पे दो लोना जब लिया तो वहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो गया। ऐसा मैच से मनोबल भी काफ़ी फर्क पड़ता है, बट सेकंड हाफ में अगर आप देखें तो एक तरह हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लिए, तो क्या पॉजिटिव देखते हैं इस मैच से, कैसे मोटिवेट करेंगे? गुमान ने भी 13 पॉइंट करे। देखो मोटिवेट हमारा काम है, कोच का काम है मोटिवेट करना टीम को, और पॉजिटिव तो नहीं कह सकते और लेकिन जो गलतियां हुई उसी पे काम करेंगे। और जब इतना डिफरेंस पॉजिटिव तो ये था कि जो हमने डिफेंस में भी और ऑफेंस में भी जो हाफ टाइम के बाद स्टार्ट किया वो स्टार्टिंग से वो प्लान था तो उस पर काम नहीं हो पाया, इसलिए ज़्यादा डिफरेंस हुआ। नीरज, दो दिन का गैप है, हरियाणा साथ मैच है, क्या कहेंगे टीममेट्स को, कैसे मोटिवेट करेंगे? देखिए गलतियां हो रही हैं बार बार उसी चीज़ पे, कोच साहब ने जो बताया उस पर प्लेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उसी के ऊपर बात करेंगे, बैठेंगे दोबारा से कि कहां गलती हो रही है, कहां मिस्टेक हो रही है दोनों साइड से, डिफेंस से भी ऑफेंस से भी, उसके बाद अगले मैच की तारीफ करें। थैंक यू।